अदरक अदरक हल्दी इलायची, वो तीनों एक ही फैमिली के लेकिन तीन तरह का जड़ है। अदरक हल्दी जमीन का अंदर होता है, इलायची तो जमीन का बाहर होता है। इसका लगाने का सीजन होता है मई, तोड़ने का सीजन होता है दिसंबर। दिसंबर होने के लिए ये जड़ ऐसा सूखने के लिए शुरू हो जाएगा, एकदम ग्रास जैसा सूख जाएगा। उसी हम निकाल के डायरेक्ट यूज करते हैं, बोलते हैं आदू बोलता है, वो छिलका निकाल कर सुखाता हम बोलते हैं सूंड बोलता है। सूंड का पाउडर शहद के साथ मिला के पीता थोड़ा कफ कोल्ड हो सबके लिए अच्छी है। ये गांव से आप सूंड लेने का नहीं, ले या तो भी जल्दी यूज करने का, छह महीने इसमें कीड़ा आ जाएगा। लेकिन सूंड पाउडर ले तो 18 महीने आराम से चल जाएगा। और आपका फैमिली में किसी को अल्सर गैस्ट्रबल का प्रॉब्लम है तो मीन्स इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है तो थोड़ा अदरक और थोड़ा नमक दोनों चबा के गए तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा। और ग्रुप में किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो रेगुलर अदरक वाली चाय दिन में 2-3 कप पिए तो ऑटोमेटिकली वो माइग्रेन के लिए अच्छी हो जाएगी। और अदरक का सूंड पाउडर, हनी और कांदा का रस, वो तीन चीज मिला के खाए तो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए अच्छी है। किसी को विंटर में आवाज बंद हो तो वो सबके लिए अच्छी सच्ची है। इधर खेती किया नहीं क्योंकि ये मौसम बिल्कुल ठीक मिला नहीं, इसलिए हल्दी हमने खेती किया नहीं है। बार ये 2-3 बीज लास्ट ईयर हमने थोड़ा वो है, वो हल्दी बोलता है। हल्दी में तीन तरह का हल्दर है, पीला हल्दर, अंबा हल्दर, कस्तूरी हल्दर, और तीनों तीन पर्पज के लिए यूज करता है। आपको दिसंबर जनवरी में जाए तो लीली हल्दर मिलता है। लीली हल्दर मिला तो 1-2 किलो लेके फ्रिज में रखने का, और हफ्ते में 2-3 बार नहाने के पहले उसमें से 2-3 पीसेस और 2-3 चम्मच दही बिना पानी पेस्ट बनाने का। वो पेस्ट शोल्डर पेड थाई में लगाए तो स्ट्रेच मार्क है तो निकल जाएगा, नहीं है तो आएगा नहीं वो चीज़। और लीली हल्दर पानी के साथ घिस के ये दोनों साइड में लगा के रखे तो मेमोरी के लिए अच्छी है। और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद, ये दोनों मिला के खाए तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकेज क्लियर करेगा। हार्ट ब्लॉक क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट है हल्दी पाउडर और हनी। और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद और 1/2 चम्मच काला मरी का पाउडर, वो तीन चीज मिला के खाए तो ऑटोमेटिकली कैंसर का ग्रोथ शॉर्ट करे, मीन्स कैंसर प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट नेचुरल दवा है हल्दी, हनी और काली मिर्ची का पाउडर। ये जायफल, ऐसे जायफल का जाड़ का लाइफ होता है 100 साल। एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। ये फल इतना मोटा है लेकिन फल एक ही मिलेगा हमको। ऐसे जाड़ का लाइफ होता है 200 साल है। लगाने के बाद 3 महीने में ये रेडी होता है, 3 साल के बाद लगाने के बाद 3 साल में वो फूल आने के लिए शुरू होता है। बारिश महीने में एक बार है तो हमको पूरा साल हमको इसमें फल मिलते रहेगा। मौसम ठीक है तो पहले हमको ऐसे छोटी छोटी फूल आता है, फूल आने के लिए इसका परागण होता है हवा से, इसलिए एक जगह में एक जाड़े तो हमको ज्यादा फल मिलेगा नहीं, ज्यादा जाड़े एक ही साथ लगाने का। फूल आने के लिए इसका परागण होता है हवा से, हवा परागण के बाद हमको मिलेगा आमला जिससे छोटी छोटी फल आता है। फूल से एक फल पका होने के लिए लगेगा 4 महीना, 4 महीने एक एक फल का साइज हो जाएगा इतना मोटा, हम तोड़ने की जरूरत नहीं, फट के नीचे आ जाए। और जमीन से अकल के इसका ऊपर का छिलका निकाले तो वो छिलका हम अचार के लिए यूज करते हैं, वो आम जैसा है। वो छिलका निकाले तो अंदर से हमको मिलेगा बड़ा एक फल, फल का ऊपर एक लाल कलर का फूल है, वो थोड़ा जरा पानी में डालता फूल सेपरेट हो जाएगा। और फूल का नाम होता है जावित्री और जावंत्री बोलता है, जायफल। जायफल और जावंत्री दोनों हमको एक ही जड़ से मिलता है। जावंत्री के एकदम छोटे एक पीस ऐसा ट्रैवल करे तो उल्टी आएगा नहीं। और जायफल का छिलका निकाल के जायफल रोज वाटर के साथ घिस के फेस पे लगाए तो उतना अच्छा बेस्ट कॉस्मेटिक दूसरा कुछ नहीं है। पिंपल, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, रिंकल्स सबके लिए अच्छी है। जायफल पानी के साथ घिस के सिर में लगे तो माइग्रेन के लिए अच्छी है। जायफल 1 और 2 पिंच 1 कप गर्म पानी में डालकर पिए तो नींद के लिए अच्छी है। जायफल शहद के साथ मिलाकर पिए तो पेट के लिए अच्छी है। जायफल अभी 500 रुपये किलो चलता है, जावंत्री 25 ग्राम के लिए आएगा, आसपास 80 रुपये आ जाएगा। वो ज़्यादा लेने का नहीं, पक्का इसमें कीड़ा आ जाएगा, इसलिए आपका यूज़ का हिसाब से वो चीज़ लेने का। अभी हमको 3 आइटम बाकी है, रबर का जाड़, लौंग का जाड़, इलायची का जाड़, वो मैं आपको दूसरा सेट में दिखाएगा, आ जाइए।